हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो चलिए जानते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किसे कहते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज और डेटा स्ट्रक्चर। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू इट, जो कि प्रोसेस से रिलेटेड सारे कंटेंट्स और डेटा को स्टोर करके रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज द डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेस इज डन इन टर्म्स ऑफ द पीसीबी, क्योंकि हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो भी डेटा हमारे प्रोसेस के स्टोर होते हैं वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होते हैं। इट ऑल्सो डिफाइन द करंट स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के करंट स्टेट को भी शो ऑफ करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस समय मतलब वैकेंट है या बिजी है। मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस है वो रन कर रहे हैं या टर्मिनेटेड मोड में है, रेडी मोड में है। इन सब सारी चीजें हमारे प्रोसेस कंट्रोल हमको बताता है। इसके बाद आता है इट इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इसे हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पहला आता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट में क्या होता है कि जनरली हमको ये बताता है कि हमारा प्रोसेस रनिंग मोड में है या न्यू मोड में है या टर्मिनेटेड मोड में है। तो इन सब सारी चीजों को जानने के लिए हम प्रोसेस स्टेट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर जनरली ये बताता है कि हमारा जो प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रोसेस रन ऑफ है, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोसेस को जानने के लिए हम प्रोसेस नंबर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस काउंटर। प्रोसेस काउंटर जनरली क्या होता है, हमारे प्रोसेस को इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर कोई प्रोसेस न्यू मोड में है तो न्यू से इसको इंस्ट्रक्ट करता है रेडी में जाना है आपकी, आपको रनिंग मोड में जाना है, टर्मिनेटेड मोड में जाना है। तो ये जनरली हम प्रोसेस काउंटर में जानते हैं। इसके बाद आता है रजिस्टर। रजिस्टर जनरली क्या होता है कि इसमें सारे कंटेंट्स को मेंटेन करके रखा जाता है कि मतलब कितने एरे, कितने स्ट्रिंग, ये सारी चीजें कितनी है, तो ये सब हम रजिस्टर में जानते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी लिमिट। मेमोरी लिमिट जनरली क्या होता है कि मतलब जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी बताता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ऑक्यूपाइड है या कितना वैकेंट है। जरिए फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।